Good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 20 जून के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारी आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, बोल्किन बोजगीर को हाल ही में यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया है, वो किस देश को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए टर्की। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अलावा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के भी इलेक्शंस हुए थे। तो चलिए बात करते हैं कि यूएनएससी में टोटल कितने मेंबर्स हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं, जिनका टाइम होता है 2 ईयर्स, जिनका टर्म पीरियड, और 2 ईयर्स बाद ये मेंबर्स चेंज होते हैं। तो 2021-22 में भारत चुना गया है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अलोंग विद अदर कंट्रीज। जो कि है मेक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड। तो भारत के अलावा ये 3 देशों को चुना गया है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2021 एंड 22। तो चलिए बात कर लेते हैं बोल्किन बोजगीर के बारे में, जो यूएन जनरल असेंबली ने 17 जून को अनाउंस किया है कि उन्होंने टर्किश डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन बोल्किन बोजगीर को चुना है एज इट्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एनाडोलू एजेंसी की रिपोर्ट के माने तो उन्होंने ये जो जीता है वो यूनानिमसली जीता है, 178 जो वोट्स थे उनके फेवर में थे और 11 नेशंस उनके अगेंस्ट में थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बोजगीर क्या काम करते हैं और क्या वो करंटली सर्व कर रहे हैं। तो बोजगीर हाल ही में सर्व कर रहे हैं एज द जस्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एके पार्टी लॉ मेकर, जो कि है इस्तांबुल में, और वो टर्किश पार्लियामेंट्री फॉरेन अफेयर्स कमेटी के भी हेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस स्टेट ने हाल ही में मास डे ऑब्जर्व किया है ऑन 18 जून 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज बी कर्नाटका। कर्नाटका ने ऑब्जर्व किया है 18 जून 2020 को मास्क डे। जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 बहुत ही तेजी से फैल रहा है पूरे दुनिया में और हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमें बोलती रहती है कि हम मास्क पहने बिना नहीं निकले। तो इसीलिए कर्नाटका की सरकार ने 18 जून को अवेयरनेस फैलाने के लिए मास्क डे मनाया है। वहाँ की जो सिविक बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रही है इसका, चाहे वो पेडेस्ट्रियंस हो, मोटरिस्ट हो, सबको कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि बिना मास्क पहने वो लोग पब्लिकली नहीं निकले और पब्लिकली थूके नहीं। इससे वो खुद को भी बचाएंगे और दूसरे को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येडियुरप्पा। उसका कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु और वहाँ के गवर्नर का नाम है वाजुभाई वाला। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस देश को भारत 75 मेंबर ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट भेजेगी 75th वर्ल्ड वॉर टू विक्ट्री परेड में भाग लेने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज ई रशिया। रशिया को भेजेगी भारत 75 मेंबर ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट। तो चलिए वो क्विक रिविजन कर लेते हैं किनके हेड्स कौन कौन है। जर्मनी की चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल। जापान की प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो एबे। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तब रशिया ने हराया था नाजी जर्मनी को, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रशिया हर साल मनाती है वर्ल्ड वॉर टू विक्ट्री डे परेड। तो इस साल उनकी 75th यानी कि उनकी डायमंड जुबली है और इसी में लिए इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया है और इंडिया भेजेगी 75 पर्सनल फ्रॉम इंडिया, हमारे जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें से। 24 जून को ये परेड की जाएगी और ये मॉस्को के रेड स्क्वायर में ही परेड हर साल की जाती है। ये दिन मनाया जाता है कि जो उस समय जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिन्होंने एक्सेप्शनल हीरोइज्म दिखाई और सैक्रिफाइसेस किए अपने मदरलैंड के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। दिल्ली के COVID-19 के प्रतिक्रिया को समर्थन करने के लिए कौन सा देश 200 मिलियन यूरोस का ऋण देगा भारत को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। बात कर लेते हैं इस ऋण के बारे में, तो फ्रांस और इंडिया ने 18 जून को एक अग्रीमेंट साइन किया है पेरिस के साथ, जिसमें फ्रांस की सरकार ने कमिट किया है कि वो 200 मिलियन यूरोस का ऋण देगी भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये जो लोन दिया जा रहा है इससे जो हमारी केंद्रीय और राज्य सरकार है उन्हें अपनी कैपेसिटीज को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 750 मिलियन US डॉलर्स का लोन दिया है भारत को ताकि कोरोना वायरस से बेटर लड़ सके भारत। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने करूर व्यासा बैंक के साथ टाई अप किया है फॉर सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज डी, मारुति सुजुकी ने पार्टनरशिप की है करूर व्यासा बैंक के साथ फॉर सिंपल एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मारुति सुजुकी बारे में जान लेते हैं हम लोग। मारुति सुजुकी का पहले नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड और ये 1981 में फाउंड हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1982 में ये मर्ज हो गई थी विद सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, ये एक जापानीज कंपनी है उनके साथ ये मर्ज हो गई थी और तब से इसका नाम मारुति सुजुकी पड़ गया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। मारुति सुजुकी के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इनके जो चेयरमैन का नाम है वो है RC भार्गवा। तो चलिए अब स्कीम के बारे में बात करते हैं उन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 16 जून को अनाउंस किया है कि उन्होंने करूर व्यासा बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि सिंपलर और फ्लेक्सिबल स्कीम्स वो प्रोवाइड कर सके अपने नए कस्टमर्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल EMI वगैरह पे या सिंपल फाइनेंसिंग स्कीम्स पे लोग गाड़ियां वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, तो मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर व्यासा बैंक के साथ टाई अप किया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये 7 साल तक, नॉर्मली जो लोन पीरियड होता है वो 60 मंथ्स का होता है नॉर्मल कार्स पे, बट करूर व्यासा बैंक प्रोवाइड करेगी 84 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड यानी कि 7 ईयर्स तक आप उस लोन को रीपे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी सबसे कैची बात इसकी ये है कि 6 मंथ्स हॉलीडे पीरियड रहेगा ऑन ऑल मॉडल्स एक्सेप्ट वैन ईको, यानी कि 6 महीने का मोरेटोरियम रहेगा। शुरुआती 6 महीने में आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और अब 7 साल तक लोन का आपका टेन्योर हो सकता है विथ 100% ऑन रोड फंडिंग। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम मारुति लेके आया है और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो लोगों को गाड़ियों की ज़रूरत है और इसमें बहुत इजी हो गए हैं उनके लोन सैंक्शन के प्रोसेसेस। 15 मिनट में लोन सैंक्शन हो जा रहा है और विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइन हो जा रहे हैं और लोन भी इमीडिएटली डिसबर्स किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6वें क्वेश्चन की तरफ। किसे चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, उर्जित पटेल। ये फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इन्हें नियुक्त किया गया है एज द चेयरमैन और एफ ऑफ NIFPF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। 4 साल का उनका टर्म रहेगा जो कि 22 जून 2020 से स्टार्ट किया जाएगा।
इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम है विजय केलकर, जिन्होंने अपनी ऑफिस ज्वाइन की थी 1 नवंबर 2014। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। कुबत बेग बोर्नफ को हाल ही में एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किस देश के लिए चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, किर्गिस्तान के लिए उन्हें चुना गया है एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए बात करते कि पहले उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। किर्गिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मुकम्मद कली अबिलगजेव, इन्होंने 14 जून को रिजाइन किया है बिकॉज इनके और इनके सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ करप्शन चार्जेस है और उनकी प्रोबिंग चालू हो गई है, इसीलिए उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और 16 जून को कुबत बेग बोर्नोफ को चुना गया एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किर्गिस्तान। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो है बिश्केक और यहाँ की जो करेंसी है वो किर्गिस्तानी सोम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में कोल माइनिंग का ऑप्शन लॉन्च किया है फॉर कमर्शियल माइनिंग? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है कोल माइंस की कमर्शियल माइनिंग का ऑप्शन लॉन्च किया है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 जून को लॉन्च किया गया है और इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कोल जो इंडस्ट्री थी उसमें मोनोपोली थी और सिर्फ कोल इंडिया प्रोड्यूस कर रही थी, जो कोल इंडिया प्रोड्यूस कर रही थी भारत के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा लिबरल कर दिया है और उन्होंने पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल अदर कंपनीज इसमें चालू की है, यानी कि अब कमर्शियली ये की जा सकेगी बाई ऑल दी डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है बिकॉज जो कोल इंडस्ट्री थी और या फिर हमारा जो कोल सेक्टर था वो कई सालों से लॉकडाउन में था, मतलब कह सकते सिर्फ कोल इंडिया इसे रेगुलेट कर रही थी, बट विद दिस अब बहुत सारी नई नई कंपनीज इसमें पार्ट ले सकती है जिसमें कैपिटल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और लोगों को एक फेयर प्राइस में मिलेगा क्योंकि अब डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करेगा कोल का प्राइसेस एंड नॉट जस्ट वन कंपनी। जैसे कि मैं आपको बता दूं हम भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, बट उसके अलावा भारत इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल आल्सो। और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत उसमें 2024 तक हमारी सरकार चाहती है कि हम 0% तक कोल इंपोर्ट करें, यानी कि हमारी जो कोल इंपोर्ट हो वो 0% हो। तो इसके लिए उन्होंने ये नए एरियाज ओपन अप कर दिए हैं ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज आके इसमें निवेश करें और हमारा जो कोल माइनिंग, जो कमर्शियल कोल माइनिंग है उसे ढंग से एक्सप्लॉइट किया जाए बाय ऑल दी इंडस्ट्रीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। उस एक्स सुप्रीम कोर्ट जज का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज दी BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज DK जैन को मिला है 1 साल का एक्सटेंशन एज दी BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। तो चलिए BCCI के बारे में बात कर लेते हैं। BCCI का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया और इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1928। ये रजिस्टर्ड हुआ था अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज एक्ट और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि DK जैन को हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया यानी कि BCCI टू सर्व एज द BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। फरवरी 2019 में उन्हें चुना गया था टू बी द BCCI ओम्बड्समैन बट बाद में उन्हें एथिक्स ऑफिसर का भी रोल हैंड ओवर कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 19 जून को हर साल वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे मनाया जाता है।
सॉन्टरिंग का सीधा भाषा में मतलब होता है टहल के चलना। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो भागते दौड़ते हम लोग चलते हैं या हमेशा बिजी रहते हैं, तो उससे आराम से धीरे धीरे टहल के नेचर का मजा लें, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। सो विद दिस फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज चेक आउट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी के मॉक टेस्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।